श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में कनेर के फूल के तीन उपाय आपको बताने वाले हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से सुनकर समझकर बताने का पूरा प्रयास करेंगे। ये उपाय आप पूरे सावन में सोमवार के दिन कर सकते हैं, या फिर मुख्य तिथियाँ जैसे कि अष्टमी हो गया, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, इन तिथियों पर भी आप कर सकते हैं। कनेर के फूल दो तीन प्रकार के पाए जाते हैं, पीले भी होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं, ऑरेंज भी आते हैं, कहीं कहीं पिंक भी दिखते हैं। तो आपको जो उपाय करना है वो पीले वाले कनेर से करना है, और सावन महीने में बड़ी आसानी से पीले कनेर के फूल हर जगह मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। पहला उपाय जो है वो कनेर के फूल का ही है, और पीले वाले कनेर से आपको ये उपाय करना है। दो तीन तरह के मिलते हैं मार्केट में या पेड़ों पर भी, आपको मेन होता है पीला कनेर का फूल, उसी से उपाय करना है। और ये उपाय आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं। कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपको ये उपाय कर लेना है। करना क्या है, आपको एक कनेर का फूल लेना होगा, बहुत आराम से आपको किसी पेड़ पर कहीं भी ऐसे भी मिल जाएगा। तो मात्र एक कनेर का फूल, पीला कनेर आपको चाहिए होगा। अगली चीज़ जो चाहिए आपको वो है दो लोटा जल। अब दो लोटा जल का मतलब यह है दो पात्र में आपको जल लेना है, चाहे आप दो ग्लास में ले लीजिए, दो लोटे में ले लीजिए, या एक पीतल का है, एक तांबे का है, एक स्टील का है, नहीं एक जैसे लोटे दो हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो आपको कोई भी ग्लास में भी आप जल ले सकते हैं, और ले करके पहुँच जाना है शिव मंदिर शिवलिंग के पास। सुबह चाहे शाम चाहे सबसे पहले जब वहाँ पहुँचते हैं तो आपने जो दो लोटे जल लिए हैं दोनों हाथों में आपको वो पकड़ना है, और जल चढ़ाना है सीधे शिवलिंग के ऊपर, सोमेश्वर महादेव या फिर कुंदकेश्वर महादेव। ध्यान से सुनिएगा, सोमेश्वर महादेव या कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वो जल आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, नाम लेते हुए सोमेश्वर महादेव का, ठीक है, कुंदकेश्वर महादेव का। उसके बाद जो आपने एक ले रखा कनेर का फूल, उसको आपको पांच जगह पर टच करवाना है। कौन कौन सी पांच जगह? सबसे पहले तो आपको गणेश भगवान का जो स्थान होता है शिवलिंग के दाहिनी तरफ, वहाँ टच कराइएगा। दूसरा आपको कार्तिकेय भगवान के स्थान पर टच करवाना है। तीसरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। चौथा पार्वती माता के हस्तकमल यानी जो कटी भाग होता है शिवलिंग का, वहाँ पर। और अंत में पांचवा स्थान जो शिवलिंग के ऊपर होता है वहाँ पर आपको वो उस कनेर के फूल को अर्पित कर देना है। पांचवी जगह पर सिर्फ टच नहीं कराना है शिवलिंग के ऊपर, आपको वो चढ़ा देना है सोमेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, ध्यान करते हुए, या फिर कुंदकेश्वर महादेव का। उसके बाद हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है, जो मनोकामना जो इच्छा कई दिनों से अधूरी है उसके लिए आपको प्रार्थना करी है। सावन माह में ये उपाय करके देखिए, आपकी मनोकामना सावन खत्म होते होते जरूर पूर्ण हो जाएगी। अब आ जाते हैं अपने दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय है, अगर आप किसी के साथ अपने संबंध अच्छे रखना चाहते हैं, अच्छे करना चाहते हैं, चाहे पति पत्नी का संबंध, या फिर बेटे के साथ आप चाहते हैं आपका संबंध अच्छा हो जाए, या क्लेश लड़ाइयाँ ना हो पति पत्नी के बीच, मुख्यतः ये उपाय पति पत्नी के लिए है, आपस में उनके लड़ाई झगड़े ना हो, द्वेष ना हो, और अगर कलह हो रही है, बात कितनी भी आगे तक ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, तो मुख्यतः तो पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों को सुधार करने के लिए ये उपाय आपको करना है। पूरे सावन में कर सकते हैं। इसके लिए आपको कनेर के फूल चाहिए होंगे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मात्रा में। और आपको क्यों चाहिए होंगे ज़्यादा मात्रा में? क्योंकि आपको कनेर के फूलों की एक माला बनानी होगी। अब आप तो उसको धागे से ही ऐसे करिएगा कि एक कनेर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह से लपेटते हुए आप कनेर की एक लंबी माला तैयार कर लेनी है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हो सके तो आप एक लोटा जल लीजिएगा, ले करके पहुँच जाना भोले बाबा की शिवलिंग के पास में। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले तो जो आप एक लोटा जल लेकर के गए हैं, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए वो जल आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। उसके बाद आपने जो एक लंबी माला कनेर के फूलों की बनाई हुई है वो देखिए, भगवान शिव और पार्वती माता को प्रसन्न करने के लिए होता है, कि जैसे उनके संबंध में मधुरता बनी हुई है, उनका संबंध बहुत स्ट्रांग है, उसी तरह से आपका दोनों का संबंध भी बहुत स्ट्रांग बने, मधुरता बनी रहे, इसलिए ये उपाय करना है आपको। तो वो जो घड़ा ऊपर रखा हुआ होता है उस पर
आपको माला रखनी है और वहाँ से लेकर के माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, मतलब जहाँ से जल नीचे गिरता है लगभग वहाँ तक वो माला आनी चाहिए। इतना लंबी माला आपको बनानी है जिससे माता का जो हस्तकमल और शिवलिंग सब उस माले में अंदर आ जाए। इस तरह से यानी घड़े से लेकर माता अशोक सुंदरी तक वो माला कवर होनी चाहिए। उसके बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि आप पति पत्नी का संबंध अच्छा हो, आप लोग के बीच लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, ऐसी प्रार्थना करनी है। पूरे सावनी उपाय करके ज़रूर देखिए किसी भी दिन। आ जाते हैं अपने तीसरे उपाय पर। तीसरा उपाय है आपके जीवन में देखिए कोई दुख है, कष्ट है, परेशानी है या एक के बाद एक परेशानी लगी रहती है, कोई ना कोई दुख लगा रहता है, कभी धन का, कभी मानसिक परेशानी, कभी कोई और परेशानी या मान अपमान होता रहता है अक्सर, मतलब कैसा भी जीवन में कष्ट है, दुख है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए कनेर के फूल से। कनेर का फूल क्या होता है, एक तरह से जहर का फूल होता है, तो आप महादेव को जहर अर्पित कर रहे हैं, यानी जहर के रूप में आप अपने दुख परेशानी को महादेव को चढ़ाते हैं, दे देते हैं, ऐसा इसका तात्पर्य होता है। तो आपको लेने होंगे कनेर के फूल, लेकिन इस कनेर के फूल आपको सात लेने होंगे इस बार। तो ये उपाय भी आप सावन में किसी भी दिन कर सकते हैं, चाहे तो ज़्यादा दिन भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन सात कनेर के फूल अगर ये वाला दुख परेशानी के लिए कर रहे हैं तो सात ले लीजिएगा। साथ ही साथ एक लोटा आपको शुद्ध जल ले लेना है अपने घर से, और ये दोनों सामग्री लेकर के आपको पहुँच जाना है शिवलिंग के पास में, बाहर शिव मंदिर शिवालय में। वहाँ पहुँच कर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो एक लोटा जल है वो उत्तर दिशा की तरफ मुखर के श्री शिवानमस्तुभ्यम कहते हुए वो जल आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, सबसे पहला काम आपने कर लेना है। उसके बाद जो कनेर के फूल आपने लिए हैं वो आपको सात जगह पर अर्पित करने हैं, चढ़ाने हैं। कहाँ कहाँ पर, सबसे पहले तो पार्वती माता का जो क्रम, ध्यान रखिएगा पहले उपाय से अलग है क्रम, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको जो पार्वती माता का हस्तकमल है वहाँ पे एक चढ़ाना है, दूसरा आपको शिवलिंग के ऊपर कनेर चढ़ाना है, और जब भी आप चढ़ा रहे हैं आपको श्री शिवानमस्तुभ्यम ज़रूर कहते रहना है, तीसरा आप चढ़ाएंगे गणेश भगवान के स्थान पर, चौथा कार्तिकेय जी के स्थान पर, पांचवा माता सुखसुंदरी के स्थान पर, पाँच आपने कनेर के फूल चढ़ा दिए हैं। इसके बाद आपने जो छठा कनेर का फूल है, जो शिवलिंग के ऊपर घड़ा रखा हुआ है, उस घड़े के ऊपर छठा कनेर का फूल आपको चढ़ाना है, ठीक है, वहाँ पे टच कराना है, चढ़ाना नहीं है, घड़े के ऊपर आप टच कराइएगा और उसको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिएगा छठा कनेर। अब पांचवा कनेर जहाँ पर नंदी जी विराजमान है, तो उनकी दोनों सिंगे के बीच में आपको सातवां कनेर चढ़ा देना है, ठीक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। इस प्रकार से आपको सात कनेर के फूल सात जगहों पर आपने चढ़ा देना है। अंत में हाथ जोड़कर आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वो मनोकामना आपको व्यक्त कर देनी है। आपकी वो इच्छा मनोकामना इस सावन में व्यक्त करेंगे, आपका हर दुख परेशानी भोले बाबा दूर करेंगे, आप जो भी कष्ट परेशानी के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज भी कर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे, घर में सुख समृद्धि का वास हो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय हो भोले भंडारी की।